हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। सर्दियों में गाजर का हलवा खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हम लोग इसे खाने से दूर भागते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है विंटर में हमारा वजन मीठा खाने से और बढ़ जाएगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये रेसिपी बिल्कुल लो फैट के साथ। इसके अंदर हम ना मावा डालेंगे, ना ही हम बहुत सारा घी डालेंगे। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं 1 किलो गाजर, जिसे मैंने धोकर साफ कर लिया है और इसके छिलके भी उतार लिए। यहाँ मैंने इसके दोनों साइड से कॉर्नर्स को भी काट लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। ये देखिए, इस तरह के ग्रेटर से मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। हम इसे ग्रेट करते टाइम ये बात का खास ख्याल रखें कि हमें गाजर को आड़ा पकड़ कर ग्रेट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है हमें वो इसके अंदर आने नहीं देना है। कभी कभी गाजर के अंदर ब्राउन कलर का पार्ट होता है अंदर से, तो हम उसे ग्रेट कर सकते हैं, पर इस तरह के येलो कलर का जो पार्ट है वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसे इस तरह निकाल देंगे। साइड साइड से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें लंबे लंबे पीसेस में इसे ग्रेट करना है। हमें इसका ज़्यादा बारीक कद्दूकस नहीं करना है इसे, और इस तरह से येलो पार्ट को हम निकाल देंगे। इसी तरह मैंने सभी गाजर को ग्रेट कर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, जिसके अंदर हम डालेंगे घी। याद रखिए, हलवा हमेशा कढ़ाई में ही बनाइए। पैन में अगर आप हलवा बनाएंगे तो अच्छे से आप उसे चला नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। 1 किलो हलवे के लिए हम आज सिर्फ 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो हमने ग्रेट करके रखा था गाजर, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये देखिए, हम इसे चलाते जा रहे हैं। जब हमें ऐसा लगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, ये हल्का सा ऑरेंजिश दिखने लग जाएगा, तब आप इसके अंदर डालिए दूध। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 किलो गाजर के हलवे के लिए 1/2 लीटर दूध। याद रखिए, आपको दूध हमेशा जाड़ा वाला ही लेना है, आप पतला वाला दूध ना लें। हो सके तो आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1/2 लीटर दूध। ये पूरा हमने एक साथ इसमें डाल दिया है। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ठंडा दूध आप मत डालिए। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर आपको अभी इस तरह से दूध दिख रहा है। ये दूध सारा एब्जॉर्ब हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। हमें इसके लिए लग जाएंगे 10 मिनट करीबन। हम कंटिन्यू 10 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। गाजर का हलवा कभी भी जब आप ग्रेट करते हो तो इसे मोटा मोटा ही ग्रेट कीजिए। जब आप इसे कद्दूकस कर इसका गाजर का हलवा बनाते हो तो इतना बढ़िया नहीं लगता है खाने में। ये जब हम इसे खाते हैं तो ये बहुत ही जूसी सा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसे मोटे मोटे पीसेस में ही ग्रेट करती हूँ। ये देखिए, अब हमारा सारा दूध एब्जॉर्ब हो चुका है। हमें करीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसे कुक करते हुए। यहाँ मैं ले रही हूँ फ्रेश मलाई। यहाँ मैंने ली है 1/4 कप मलाई। मलाई डालने के बाद हम इसे फिर से 5 से 10 मिनट तक और कुक करेंगे। करीबन 5 मिनट हो चुके हैं हम इसे चलाते हुए। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं इलायची पाउडर। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और अब हम इसे एक बार और चला लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 किलो गाजर के हलवे के लिए 1/2 कप शुगर। आप अगर कम मीठा खाना पसंद करते हो तो शुगर थोड़ी कम भी डाल सकते हो, क्योंकि गाजर अपने आप में भी मीठी होती है। अब हम इसे शुगर डालने के बाद भी 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे कंटिन्यू चलाते हुए। हमें इसे कंटिन्यू चलाना है जब तक शुगर से पानी रिलीज ना हो जाए। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए, शुगर का अच्छे से पानी बन चुका है। अब ये पानी जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब जो हमारा शुगर का पानी है ये सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये हलवा रेडी है। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम। यहाँ मैंने 15 से 20 बादाम लिए, जिसे मैंने इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ पिस्ते। यहाँ मैंने 10 से 12 पिस्ते लिए, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इसकी जगह आपके मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ, क्योंकि हमारा गाजर का हलवा है कम्प्लीटली तैयार। तो चलिए, अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल के अंदर। तो तैयार है हमारा बिल्कुल हेल्दी वाला गाजर का हलवा। इस तरह से आप गाजर का हलवा बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे थोड़े से बादाम के पीसेस के साथ।
यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से गार्निशिंग के लिए काजू के पीसेस। तो ये तैयार है हमारा गाजर का हलवा, हेल्दी वाला। तो इस तरह से आप गाजर का हलवा बनाइए और हमें कमेंट्स कर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा गाजर के हलवे का मेथड अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।